ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका मंच। तो आइए बिना समय गवाए एक बार फिर से रुक करते हैं डॉक्टर अजीत सिंह से बातचीत की ओर। लाइफस्टाइल जो लोगों की चेंज हो रही है उससे कई तरह की बीमारियां बढ़ती जा रही है, क्या निमोनिया में भी इस तरह का कुछ है? निमोनिया में क्योंकि हम चर्चा करते हैं कि निमोनिया जैसे 5 साल से कम जो बच्चे होते हैं उनके अंदर, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं जो 65 साल से बुजुर्ग जो पेरेंट्स हमारे हैं, जो समाज के अंदर हम लोग रहते हैं, उनके अंदर भी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो जो इम्यून सिस्टम है, जैसे ही कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस शरीर में एंटर करता है तो उसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और उस एक्टिवेशन के साथ में ही वो निमोनिया से वायरस, वायरल निमोनिया है चाहे बैक्टीरियल निमोनिया है, उससे उसको बचा के रखता है। तो इनिशियली जो बच्चे होते हैं, जो छोटे प्रीमेच्योर बेबी भी जिन्हें अपन बोलते हैं, उनके अंदर भी इनिशियली लंग्स की जो सर्फेक्टेंट होता है जो कि लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, वो काफ़ी कम मात्रा में होता है। जैसे जैसे पेशेंट या बच्चा ग्रो करता है उसके साथ उसकी इम्यूनिटी बढ़ती जाती है। तो ये दो एज ग्रुप काफ़ी ससेप्टिबल हैं निमोनिया के, तो आइडियली हम इस एज ग्रुप को ज्यादा प्रोटेक्शन के साथ में रखेंगे, ज्यादा ध्यान रखेंगे, ज्यादा अवेयरनेस के साथ रखेंगे तो ये बीमारी इनके अंदर होने की संभावना कम रहती है। ये कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल मतलब पेरेंट्स बच्चों को लेके ओवर प्रोटेक्टिव है, घर से बाहर नहीं जाने दे रहे, घर में ही रख रहे हैं, तो उनमें ये कहना चाहेंगे कि जहां पर ओवर प्रोटेक्शन है वहां पर उस बच्चे की इम्यून सिस्टम भी इतना प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता। जहां हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलरली एनवायरमेंट्स के अंदर लाखों की तादाद में एलर्जेंस होते हैं, लाखों की तादाद में बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो कि बॉडी के लिए भी एक सिम्बायोटिक्स का काम करते हैं, कॉमन सेल बैक्टीरिया होते हैं, साथ में कुछ पैथोजेंस होते हैं जिनके एक्सपोजर से बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो जब तक उन चीजों का एक्सपोजर उस बच्चे के साथ नहीं होगा तब तक उसका इम्यून सिस्टम उन एलर्जेंस के प्रति एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगा, और जब कभी भी मान लो उस वायरस का या बैक्टीरिया का उस पर अटैक होगा तो उसके कंपैरेटिवली ज्यादा इन्फेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। सर, युवाओं में भी बीमारी बढ़ती जा रही, इसके पीछे क्या रीजन है? चलिए, बच्चों का आपने माना बच्चों में है, बुजुर्गों का आपने माना, युवाओं में भी इस तरह की बीमारी देखने में आ रही है अब पिछले कुछ टाइम से, वो इसके पीछे रीजन क्या मान के चलते हैं, क्या वजह है? आमतौर पर ये चीज देखी गई है कि जैसे जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ में युवाओं के अंदर जो चेंजेज आए हैं, जिसके अंदर की एक तो मैं कहूंगा कि स्मोकिंग, साथ में दूसरा जो टोबैको कंजम्पशन है, ये काफी ज्यादा हद तक युवा पीढ़ी के अंदर देखने को मिलता है। तो जो स्मोकिंग है और टोबैको कंजम्पशन है, इसके साथ में जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो जिसके अंदर सांस की नली जिसे हम बोलते हैं उसके अंदर धुआं जाता है और वो वहाँ पर कार्बन पार्टिकल्स हैं, वहाँ पर कई तरह के कार्सिनोजेंस हैं जिनको कि हम ये कहते हैं कि ये अगर लंबे टाइम तक सांस के साथ या सांस की नली में रहते हैं धुएं के एक्सपोजर के बाद में, तो वहाँ पर उसमें कैंसर होने की संभावना रहती है। साथ ही जो लाइफस्टाइल के साथ में जो लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है, जो युवा वर्ग ज़्यादा सेंसिटिव है वो अपनी मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं, वो अपनी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और जो स्ट्रेसफुल लाइफ है जिसके अंदर कि हम सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आपके जो वर्किंग आवर्स हैं, और मेट्रो की जो लाइफ जिसे हम कहते हैं कि जहाँ मेट्रो के अंदर आपको 3-3 घंटे 4-4 घंटे तो आपके जर्नी के अंदर निकल जाते हैं, जो प्रॉपर फिजिकल एक्टिव रहने का टाइम आपके पास नहीं है, एक्सरसाइज करने का आपके पास टाइम नहीं है, आपकी खुराक, आपकी डाइट जो प्रॉपर जो आपकी बॉडी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर रही है वो न्यूट्रिशनल डाइट आपको नहीं मिल पा रही है, तो युवा पीढ़ी क्योंकि एक तरह से बेरोजगारी की एक बहुत बड़ा कारण अपन मानते हैं जिसके अंदर वो स्ट्रेस में है, साथ ही वो प्रॉपर जो हेल्थ के लिए जो चीजें जरूरत की है जिसमें न्यूट्रिशन पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साथ में फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, तो ये दो पार्ट से अगर अपन इनको रेगुलर करते हैं तो निश्चित तौर पर बॉडी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी, आपकी बॉडी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी तो निमोनिया के और अदर डिजीज होने के चांसेस कम रहेंगे। आप स्मोकिंग की बात कर रहे थे, धुएं की आप बात कर रहे थे, कि पॉल्यूशन भी इसकी एक वजह बन सकता है? पॉल्यूशन क्योंकि अभी रिसेंटली अपन देख ही रहे हैं कि दिल्ली के अंदर तो काफी जो पॉल्यूशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि आज गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना पड़ रहा है कि 5वीं क्लास तक की स्कूलें बंद करनी पड़ रही है, और जिस ढंग से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है और दूसरे पॉल्यूशंस हैं वो एनवायरमेंट के साथ साथ जैसे ही सांस के साथ अंदर जाते हैं, तो आज हो सकता है कि भविष्य में हमें भी मास्क के साथ घर से बाहर निकलना पड़े। आज थोड़ा फ्रीडम अपन ये देखते हैं कि ठीक है, जहां पोल्यूटेड है वहां एक रिफ्लेक्सली जेब में से अपन रुमाल निकाल के नाक को ढकने की कोशिश करते हैं, कहीं झाड़ू लग रही होती है तो नाक को ढकने की कोशिश करते हैं। तो आने वाले टाइम में अगर इसी ढंग से ये पॉल्यूशन बढ़ता गया,
तो आज दिल्ली है, हो सकता है जयपुर में भी ऐसे हालात होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इसके बारे में हमें ठोस रूप से सोचना है, साथ ही इसके लिए एक पॉलिसी के तहत इसके लिए समाज में पेशेंट कह लें चाहे सामाजिक व्यक्ति कोई भी हो, वो जागरूक तो है लेकिन उस पॉलिसी के तहत उसका इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट्स को करना होता है। अब उसमें गवर्नमेंट्स के आधार पर या गवर्नमेंट के स्तर पर एक पॉलिसी बने जिसके अंदर नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स का रेस्ट्रिक्शन है, प्लस आपका जो ग्रेडिंग है ऑटोमोबाइल्स में जहां पर डीजल के व्हीकल्स से ज्यादा धुआं निकलता है, कहीं ना कहीं इस दिशा में हमें सोचने की आवश्यकता रहेगी कि इस धुएं का जो हेल्थ पर असर है वो आने वाली पीढ़ी, क्योंकि वो प्रोडक्शन है, वो देश का ग्रोथ है, जो युवा वर्ग है प्लस जो आज की तारीख में जनरेशन है वो धीरे 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 युवा वर्ग से साथ में हमारी देश की उन्नति के लिए, क्योंकि ये लोग ही एक युवा पीढ़ी जो है वो काम करती है और उनका स्वस्थ रहना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। तो उनको पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट जब तक हम प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो उनकी हेल्थ पर पॉजिटिव असर नहीं पड़ेगा। सर गवर्नमेंट की आप बात कर रहे थे तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं अभी अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है निमोनिया को लेकर कुछ है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ? गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएट लिए हैं, गवर्नमेंट ने इवन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो बच्चों की बात करते हैं तो वो है इंद्रधनुष योजना करके एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, राजस्थान में भी इम्प्लीमेंटेड है। ये सारी की सारी ओवरऑल पब्लिक अवेयरनेस की स्कीम्स हैं जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक के अंदर कम से कम इस डिजीज को लेकर इतनी अवेयरनेस तो आए कि वो आज जैसे स्वाइन फ्लू के बारे में हम सोचते हैं कि थोड़ी सी जुकाम लगते ही आज हर फैमिली मेंबर सेंसिटिव है कहीं स्वाइन फ्लू तो नहीं है, तो ऐसी अवेयरनेस निमोनिया को लेकर भी अगर डेवलप होती है तो ये एक पॉजिटिव सोच के साथ गवर्नमेंट का इनिशिएशन है, उसके लिए हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। साथ ही ऐसे प्रोग्राम्स सामाजिक स्तर पर भी कई तरह की एनजीओज हैं जो इस दिशा में कार्य कर रही हैं, उनको भी अगर इस स्तर पर पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करने का मौका मिलता है तो उनको करनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि हर समाज के व्यक्ति को निमोनिया को लेकर अपने फैमिली के अंदर कम से कम चर्चा करें और वो जो जानकारी अपडेटेड है वो शेयर करने में बुराई नहीं। सर वैक्सीन जो है इसकी वो कितनी कारगर है इस बीमारी की रोकथाम के लिए? वैक्सीन जो निमोनिया के लिए है वो लाइफ में एक सिंगल डोज वैक्सीन आती हैं जो कि जनरली मैंने आपसे बताया कि क्रॉनिक डिजीज वाले पेशेंट्स हैं, साथ ही जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं और जो क्रॉनिक पेशेंट किडनी के, लीवर के, इवन बच्चों के, उनमें भी लगाते हैं। कई बार क्या होता है कि निमोकोकल वैक्सीन के साथ में कई बार बच्चों में मेनिंजाइटिस के केसेस भी देखने को मिलते हैं, तो उनसे भी हमें बचा रह जा सकता है। तो वैक्सीन के माध्यम से इस डिजीज से काफी हद तक बचा जा सकता है। सर निमोनिया अगर हो गया है उस टाइम पे और निमोनिया आप ओवरकम आपने कर लिया, आप ठीक हो चुके, उसके बाद खाने पीने में भी कुछ ध्यान रखना जरूरी होता है? जनरली जो निमोनिया की शिकायत जो जिन्हें इन्फेक्शन होता है उसके अंदर आप ये देखेंगे कि जो अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक है जिसको कि हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं जिसके अंदर नाक है, गला है, ये चीजें आती है, यहां से इन्फेक्शन की शुरुआत होती है और अर्ली स्टेज में अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है तो ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो जो चीजें आपके गले को पकड़ेंगी वो काफी हद तक आपको इन्फेक्ट करने की संभावना इन चीजों से रहती है। उसके अंदर जैसे ज्यादातर हम पेशेंट्स को परहेज के लिए बोलते हैं जिसमें वही ठंडी चीजें हैं, तली हुई चीजें हैं और साथ में खट्टी चीजें, ये चीजें पर्टिकुलरली गले को पकड़ती है और कुछ पेशेंट्स तो काफी हद तक इस चीजों से सेंसिटिव होते हैं। इवन एक सिंगल उनका ठंडी चीज का खाना ही दूसरे दिन उनको फीवर, गले में खराश, कांटे से चुभना, ऐसी तकलीफ के साथ हमारे पास ले आता है। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर अजीत सिंह से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ।